एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इंटीग्रेशन करो 2 - 5x (3+2x)-1 - x का। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों को गुना करना होगा, है ना। जैसे क्या करेंगे, 2 - 5x को इसके साथ, जो होगा उसको इसके साथ, एक तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप का हो जाएगा, उसको फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चले एक क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बता देता हूं कि आखिर गुना भी कैसे करते हैं। तो पहले 2 - 5x से इसमें गुना करेंगे ना, तो पहले 2 से सब जगह 2 और 3 का गुना 6 + 4x, फिर -5x से कीजिए तो क्या -15x और -10x2। ये तो इन दोनों का गुना है और इनटू में 1 - x तो है ही। ये क्लियर क्या हो गया, 4 - 11x - 10x2, इसको फिर गुना करेंगे 1 - x के साथ, तो फिर 1 - x से इसमें गुना कीजिए तो पहले 1 से सब जगह फिर x से सब जगह, तो हो गया 4 - 11x - 10x2, फिर -x से तो -4x + 11x2 + 10x3 और इनटू डीएक्स, क्या हो गया ये 4 - 11x और -4, तो हो गया -15x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाला सोचिए तो -10x² + 11x² तो +1x² क्यूब वाला देखो तो प्लस में हो गया 10x³ और इनटू डीएक्स। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 4 पीछा उसके साथ साथ यहाँ 1 बचा तो उसका इंटीग्रेशन, 15 पीछे किए तो एक्स का पावर कुछ है तो 1 बचा उसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 10 पीछा एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन, ये क्या होगा 4 × x क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x, 15 × x² / 2 + x³/3 + 10x⁴/4 प्लस, कैसे समझे ना, x के पर n प्लस 1 करके, तो फाइनली क्या हो गया 4x - 15/2x² + 1/3x³ + 5/2x⁴ प्लस, क्योंकि कटेगा ना ये दूसरे, 2 × 5 = 10, 2 × 4 इस तरह से ये है इसका आंसर। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए किसको, तो √x (ax²) + (bx+c), ऐसे समझिए रूट एक्स से अंदर गुना कर दीजिए, जो आएगा उसको इंटीग्रेशन करना होगा। तो क्या करेंगे, रूट एक्स से जो गुना करते हैं तो हो गया ये x³/2 लिख दिए और ये क्या हो गया ax² + bx+c, ऐसा करता हूं सब जगह गुना कर दो तो हो गया ax² (x^2) (bx) × (x^2) (c) × (x^2). अब ये हो क्या गया, a पीछा x^2 देख लीजिए 5/2 हो गया, कैसे, तो पावर 2 और आधा और हाई ना, क्योंकि बेस समान होने से पावर जुड़ता है, प्लस में हो गया bx³/3/2 प्लस में हो गया cx^1/2। अब इसको इंटीग्रेशन करना तो a पीछा x^n का क्या होता है, x^5/2 + 1/5/2 + 1 b × x^3/2 + 1/3/2 + 1 c × x^1/2 + 1/1/2 + 1 और प्लस में c, ये क्या हो गया a into, अच्छा ये जोड़ोगे ना तो 7/2 + 7/2 प्लस b × x^5/2 + 5/2 c × x^3/2 + 3/2 प्लस c, पलट जाएगा तो क्या 2a/7 (x⁷)/7/2 2b/5 (x⁵)/5/2 2c/3 (x⁴)/3/2 प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है ये, इसको क्या करेंगे, पहले रूट हटाने का प्रयास करेंगे, जैसे यहां से रूट हटा तो (1/2) हो जाएगा, यहां से रूट हटा तो (x^4)/3 हो जाएगा, ये नीचे में (x^2)/3 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो -2/3 हो जाएगा। इस तरह से पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, एक फ्रेश कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, x^(1/2) - x^4/3 + 7/(x^2/3 - 6e(x+1) और इनटू dx,
ये इसको और इसको ऊपर ले चले तो क्या एक्स का पावर एक बट्टा दो माइनस एक्स के पावर चार बट्टा तीन प्लस सात एक्स के पावर माइनस दो बट्टा तीन सिक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब सबको अलग अलग क्या इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट कीजिए तो एक्स के पावर एन का एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन माइनस में एक्स के पावर फोर बाय थ्री प्लस वन बाई फोर बाय थ्री प्लस वन प्लस सेवन एक्स टू दी पावर माइनस टू बाय थ्री प्लस वन बाई माइनस टू बाय थ्री प्लस वन सिक्स बार ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स और वन का एक्स प्लस सी। फ्रेश कीजिए तो एक्स के पावर तीन बट्टा दो के बट्टा में तीन बट्टा दो माइनस एक्स के पावर ये जोड़ोगे तो सात बट्टा तीन बट्टा में सात बट्टा तीन सात एक्स के पावर एक बट्टा तीन के बट्टा में एक बट्टा तीन सिक्स ई के पावर एक्स प्लस सी। ये पलट दो तो गया दो बट्टा तीन एक्स के पावर तीन बट्टा दो। क्यों पलट दिए तो जब तीन अंक का रहता ना कुछ हो बट्टा फिर कुछ हो तो नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाता है ठीक है। फिर ये हो गया माइनस में थ्री बाई सेवन एक्स टू दी पावर सेवन बाई थ्री प्लस में थ्री पलट के ऊपर सात है सात पहले से सात थ्री सात या इक्कीस एक्स के पावर एक बट्टा तीन माइनस सिक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे।